नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डेट इज FATF, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी इन रिस्पेक्ट टू द कि जो ड्रग प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. तो G7 इकोनॉमिक समिट हेल्ड की गई थी 1989 में पेरिस में, जब FATF को इस्टेब्लिश किया गया. तो FATF को इस्टेब्लिश किया गया था एट द G7 इकोनॉमिक समिट. ओके, तो ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, यानी कि बहुत सी जो सरकारें हैं उन्होंने आपस में मिलकर इसे गवर्नमेंट बॉडी को बनाया है, जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है एंड जो प्रमोट करती है इस चीज को कि किस तरह से जो लीगल रेगुलेटरी एंड आपकी जो ऑपरेशनल मेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ सकें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ सकें, या फिर जो कोई भी और थ्रेट्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए उनको रिमूव किया जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके. तो FATF में अगर करंटली बात करें तो इसके 34 मेंबर ज्यूरिसडिक्शन है एंड 2 इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड बहुत से इसके फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, लगभग आप कह लीजिए पूरे ग्लोबल ग्लोब में कवर्ड है. एंड ऐसी बहुत सी इसकी रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, साथ के साथ ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल इसकी एसोसिएशन हैं जो इसके लिए ऑब्जर्वर की तरह काम करती है. अगर FATF का आज की डेट में हम प्राइमरी फोकस देखें ना, तो वो मेन फोकस क्या है उसको एक चार्ट के जरिए समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड इट. पहली जो चीज है डेट इज रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन, की आइडेंटिफाई करना है एंड एनालाइज करना है किस चीज को, जो भी जो थ्रेट्स हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट बने हुए हैं, जो किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को. सो उन थ्रेट्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड उन्हें एनालाइज किया जाएगा. सो डेट इज अ फर्स्ट स्टेप, पहली जो चीज है यहां पर करनी जरूरी है. सेकेंड थिंग जो यहां पर रिक्वायर्ड है डेट इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डिवेलप किया ना जाना चाहिए एंड अगर किसी तरह के चेंजेस किए जाने हैं, किसी तरह की रिफाइनमेंट करनी है, उसमें उन रिफाइनमेंट को भी किया जाए, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ सकें, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के खिलाफ लड़ सकें एंड जो भी थ्रेट्स हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए पनप रहे हैं उनको भी हम कम कर पाएं. तो सेकेंड सिस्टम क्या है कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहां पर डिवेलप करना है, उन्हें रिफाइन करना है. सो डेट इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. थर्ड जो यहां पर चीज है डेट इज रिगार्डिंग कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज को असेस भी करना है एंड मोनिटर भी करना है. सो थर्ड फंक्शन इज रिगार्डिंग द असेसिंग एंड मोनिटरिंग, यानी कि जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं FATF के द्वारा, इसके जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से, किस हद तक उन रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से उनको अपना रहे हैं, ठीक है. तो उसे उस चीज को असेस भी करना है एंड मॉनिटर भी करना है. सिर्फ स्टैंडर्ड्स को बना देना काफी नहीं रहता, उन्हें इंप्लीमेंट भी करना जरूरी है. तो यहां पर वही चीज की जाती है. एंड फोर्थ इज रिगार्डिंग कि ऐसी ज्यूरिसडिक्शन को आइडेंटिफाई करना जो रिकमेंडेशंस का ना तो फॉलोअप कर रही है एंड उनके साथ हाई रिस्क एसोसिएटेड है. आइडेंटिफिकेशन, ज्यूरिसडिक्शन आइडेंटिफिकेशन, तो यहां पर क्या है कि वो ज्यूरिसडिक्शन जो हाई रिस्क है, यानी कि एक तरह का थ्रेट खुद पैदा कर रही है ये. मे बी हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो चीजें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड साधन है, उन्हें वो खुद बढ़ावा दे रही हूँ, ठीक है, उनको कॉपरेट कर रही हूँ एंड FATF के साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो उसे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा. तो ये चार चीजें हैं मेन यहाँ पर जिनके साथ जो FATF है वो डील करता है. ओके, सो दीज आर द फोकस एरियाज ऑफ FATF.